रमज़ान स्पेशल में आप सबका वेलकम है। आज हम बनाएंगे चिकन चीज़ स्प्रिंग रोल रेसिपी। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो आपने एक फ्राई पैन लेना है, 1 टेबलस्पून आप इसमें ऑयल ऐड कर दें और इसमें चॉप किया हुआ 1 अदद प्याज ऐड कर दें और प्याज को आपने सोटे कर लेना है। 1 कप चॉप की हुई हम इसमें गाजर ऐड कर देंगे और गाजर को भी आपने सोटे कर लेना है। 1 कप चॉप की हुई हम इसमें शिमला मिर्च ऐड कर देंगे और शिमला मिर्चों को भी आपने सोटे कर लेना है। और 1 कप आप चॉप की हुई इसमें बंद गोभी ऐड कर लें और सब वेजिटेबल को आपने सोटे कर लेना है। और अब हम इसमें 1 कप बॉयल किया हुआ चिकन ऐड करेंगे। चिकन के आपने रेशे कर लेने हैं और इस सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लें। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से लें। 1 टेबलस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर दें, 1 टेबलस्पून सिरका ऐड कर दें, 2 टेबलस्पून सोया सॉस ऐड कर दें और फिर हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मिक्स करने के बाद अब इस फिलिंग को ठंडा कर लें। अब हम रोल पट्टी लेंगे और मैदे का पेस्ट इसके दोनों सेटों पर लगा देंगे। तो मैदे का पेस्ट आपने ऐसे बनाना है कि आप 1 टेबलस्पून मैदा लें और इसके अंदर आप थोड़ा सा पानी ऐड कर लें और एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लें। और अब हम फिलिंग करेंगे रोल पट्टी की। तो आपने फिलिंग बहुत अच्छे से भरनी है ताकि हमारा जो रोल है वो यमी भी हो खाने में। तो आपने चिकन की फिलिंग करनी है अच्छे से। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें और अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। अब हम इसमें कद्दूकस की हुई मोज़रेला चीज़ ऐड कर लेंगे। तो चीज़ भी आपने 1 कप लेनी है और इसको आपने कद्दूकस कर लेना है। रोल में ऐड कर लेंगे चीज़ को अच्छे से और इसके बाद आपने इसके दोनों कॉर्नर्स को फोल्ड कर लेना है और रोल को आपने टाइटली फोल्ड करना है। और रोल बहुत अच्छे से फोल्ड हो जाए। फिर फोल्ड करने के बाद आपने फिर से आपने मैदे का पेस्ट लगाना है ताकि इसको अच्छे से हम बंद कर लें। और ये हमारा स्प्रिंग रोल रेडी है। आपने सारे ही ऐसे ही स्प्रिंग रोल बना लेने हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, इसमें हम ऑयल ऐड कर लेंगे और ऑयल को आपने अच्छे से गर्म कर लेना है और इसके अंदर आपने रोल ऐड कर लेने हैं और रोल को आपने गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ये बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसको निकाल लेंगे एक प्लेट में और आप इसको टमाटो केचप के साथ सर्व करें और बहुत ही मज़ेदार से ये रोल बने। आप लोग ज़रूर ट्राई करें।